फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने बॉलीवुड के खत्म होते करियर पर बयान दिया है। करण जौहर ने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है, अच्छी फिल्में चलती हैं। भूल भुलैया की सफलता ने कार्तिक आर्यन को इस साल का सबसे कामयाब बॉलीवुड स्टार बना दिया। फिल्म के सक्सेस के बाद अपनी फीस बढ़ने के सवाल पर कार्तिक आर्यन ने बयान दिया, कहा हर किसी को आगे बढ़ना चाहिए। फरहान अख्तर की फिल्म जीले जरा के बंद होने के अफवाह को लेकर एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने खुलासा किया। एक्ट्रेस ने कहा फिल्म बंद नहीं हुई है, इसकी शूटिंग अगले साल होगी। फिल्म में कटरीना, प्रियंका और आलिया नजर आएंगी। भोजपुरी सिनेमा की अदाकारा संभावना सेठ हाल में पोस्ट उन्होंने शेयर किया है और अपनी बीमारी का जिक्र कर बताया है कि एक्ट्रेस आर्थराइटिस नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके चलते उन्हें वजन बढ़ने समेत कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन फोटो में एक्टर काफी खूबसूरत लग रही हैं। एक्ट्रेस अपनी अपकमिंग फिल्म दे लेजेंड को लेकर भी सुर्खियों में बनी हुई हैं। एक्टर अर्जुन कपूर और मलाइका के रिलेशन की खबरें चर्चा में बनी रहती हैं। इस बीच एक्टर अर्जुन कपूर ने जब रैंप पर वॉक किया तो मलाइका खुद को रोक नहीं सकी। एक्ट्रेस ने अर्जुन को फ्लाइंग किस दिया, दोनों का वीडियो वायरल है। 11 अडानी एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ दुबई में अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। दोनों को दुबई में एक साथ स्पॉट किया गया। सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ और कियारा की फैंसन तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक्ट्रेस दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ के बीच सब कुछ ऑल इज वेल है। एक विलन रिटर्न्स के प्रमोशन पर दिशा ने कौन होगा मिस्टर यूनिवर्स 2022 के सवाल के जवाब में टाइगर का नाम लेते हुए उनकी जमकर तारीफ की। एक्ट्रेस सारा अली खान का ब्लू लहंगे में रॉयल लुक वायरल हो रहा है। रैंप वॉक करती हुई एक्ट्रेस का लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं। लोगों ने कहा ओवर एक्टिंग की दुकान। और ग्लैमरस गर्ल उर्फी का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में वो ब्लैक कलर की साड़ी पहने हुए नजर आ रही हैं। फैंस को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है।